फर्स्ट लुक आ गई है, बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी। ठीक सा गर्म है ना, तो उसको पहले थोड़ा सा चेक करके फिर खाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जैन और आप देख रहे हैं महर जैन व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कैसा चल रहा है आप लोगों का रमज़ान? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, आज चौथा रोज़ा है। और ये है कि वेदर थोड़ा अच्छा है, प्यास वगैरह नहीं लगती, तो भूख वगैरह लग जाती है, लेकिन फिर रोज़ा तो नाम ही मशक्क़त का है। अल्लाह ताला आपको अजर दे रोज़ा रखने का, और जो नहीं रख पा रहे अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो रोज़े रखें। तो जी आज मैं फ्राइडे था तो मैं घर पर ही था, तो मैंने कहा कि आज मैं बनाता हूँ रैप और उसका साथ बनाऊँगा वीलॉग और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूवर्स शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स से। अच्छा ये टोर्टिला ब्रेड है, ठीक है, ये वाला साइज़ है, इसमें बड़ा साइज़ भी होता है, ये आपको पैक मिल जाएगा। ये मैं 250 का लेकर आया था, इसमें 8 जो हैं वो ये रोटियाँ कह लें आप इसको, या फिर इसको ब्रेड कह लें, या इसको आप जो मर्ज़ी कह लें, पट्टी कह लें, किसी भी लैंग्वेज में जो मर्ज़ी कह सकते हैं आप। खैर ये है जी टोर्टिला ब्रेड, और सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ वेजिटेबल्स आ जाएंगे, जिसमें जो है खीरा है, प्याज है और टमाटर है, और साथ में इसमें ऐड करूँगा लेटस, यानी कि जिसको सलाद पत्ता भी कहा जा सकता है, मायो है, इसके अलावा टमाटो केचप है, सोया सॉस है, और शिंगरेला की येलो मस्टर्ड है। ये आपको जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका भी। और यहाँ पे जो मैं चिकन ऐड करूँगा वो चिकन जो है वो सबरोसो का होगा, सबरोसो की स्ट्रिप्स जो हैं ये मैं इसमें लगाऊंगा, और ये जो है साथ घर पर ही वाइट सॉस तैयार की हुई है ये इसमें ऐड होंगी। ठीक है तो शुरू करते हैं जी मेकिंग, साथ रहिएगा वीडियो में, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जो है हम ये स्ट्रिप्स को जो है फ्राई करेंगे, ये फ्रोज़न स्ट्रिप्स हैं सोब्रोसो की, और डालते जाएंगे इसमें। ये फ्राई होने के लिए जो है मैंने रख दी हैं, अब इसको कुछ टाइम ये फ्राई होने में लगेगा। साथ इसके जो है वो हम रैप्स के साथ जो है वो चिप्स रेडी करेंगे, जो फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं, आम चिप्स होती है। ठीक है तो व्यूअर्स ये यहाँ पर फ्राई हो गई हैं, बड़ी खूबसूरत सी लुक इनकी आ गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है क्रिस्पियर सी लुक हो गई है इसकी, तो मैं निकालता हूँ इसको बाहर। अब तो मैं ना इन स्ट्रिप्स के तीन तीन पीसेस कर रहा हूँ, वैसे तो अगर आपने पूरे भी रखने हैं पूरे भी रख सकते हैं, लेकिन यह है कि ज़रा खाने में आसानी हो जाती है अगर आप इसको पीसेस में कट कर लें। तो ये जो है मैंने इनको तीन तीन पीसेस में कट कर लिया है। ठीक है इसके बाद अब सबसे पहले ये ब्रेड है टोर्टिला ब्रेड, ये नॉन स्टिक का पैन, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पहले हीट दूँगा, गर्म करूँगा थोड़ी देर। अच्छा व्यूअर्स ये देखें ब्रेड का जो है ना हल्का हल्का ब्राउन कलर हो चुका है, ये देखें। ठीक है मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रखेंगे इधर। सबसे पहले जो है ये सॉस बनाई हुई है, इसमें अच्छा गार्लिक पाउडर डाला है, मायो डाली है, सोया सॉस डाला है, इसके अलावा जो है वो कुछ केचप डाली है थोड़ी सी, बाकी आप भी अपने मुताबिक जो है चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बारबेक्यू सॉस वगैरह अगर आपको पसंद है तो आप थाउजेंड आइलैंड वगैरह जो है इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी ये सबसे पहले जो है इसको अच्छी तरीके से हम कवर कर लेंगे सारे के सारे सॉस के साथ। ठीक है सबसे पहले जो है इसमें आएगा लेटस, चीज़ें अब आपने अपने हिसाब से रखते जाना है, जिस तरह आपका हिसाब हो रखते जाएं। ये मैंने लेटस रख दी, इसके बाद जो है ये चिकन रखूँगा इसमें, अफ्तारी में 20 मिनट बाकी हैं और हम जो है अब जल्दी से ये रैप्स बनाएंगे फिर करेंगे अफ्तार। ये मैंने चिकन ऐड कर दिया है, नीचे पहले जो है वो लेटस रखा था, इसको मैं करूँगा ऐसे हाफ पहले। ठीक है थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो है कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगा, वेजिटेबल्स आपने नीचे ऐड करनी है नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर ऐड करनी है ऊपर कर लें, वो कोई मसला नहीं है, बस टेस्ट आना चाहिए चीज़ों का। ठीक है यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रिप को थोड़ा सा और लगा दूँ, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है
ये लगा देंगे। इसमें आपने अगर चीज़ ऐड करनी है तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा इस तरह करके बंद। इसको जो है मैंने कर दिया अच्छे तरीके से बंद, और ये देखें जी ये रैप की जो है फर्स्ट लुक आ गई है, बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी। ठीक है, और अभी हम जो है जब ये 4-5 रेडी हो जाएंगे तो इसको हम एक बार फिर जो है वो हीट देंगे। पहले मैं रैप्स रेडी कर लूँ, उसके बाद जो है इसको हीट देते हैं। ठीक है जी, तो व्यूवर्स रैप जो है वो तकरीबन रेडी हैं, अब हम इनको हीट देंगे और इसके बाद अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। और यहाँ पर जो है हमारी मानो, यहाँ पर हमारी मानो जो है वो चिकन की खुशबू स्मेल करके आ गई है। हाँ जी, क्या चाहिए? अभी तो खाना खाया है, हैं? और चाहिए जी अभी इसको, अभी थोड़ी देर पहले जो है इसने चिकन खाया है, कलेजियाँ खाई हैं, तो अब फिर चिकन की खुशबू से यहाँ पर आ गई है। तो जी इसने जाना नहीं है ऐसे, थोड़ी सी जो है दे ही देते हैं इसको डोज। अल ये लो, चलो अब नहीं आना, ठीक है, ले जो, गरम है, लें जी, खाने लग गई है। ठीक है, वो थोड़ा सा गर्म है ना, तो उसको पहले थोड़ा सा चेक करके फिर खाएगी जी। तो ना जनाब, यहाँ पर अब फाइनल टच ये है कि यहाँ पर जो है रैप्स को एक बार फिर नॉनस्टिक पैन के ऊपर थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है हम उल्टा करते रहेंगे, ठीक है, जैसे ब्रेड और ब्राउन हो जाए तो जी आपके रैप जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, बहुत प्यारा सा कलर आ गया रैप्स का जी। तो जनाब यहाँ पर जो है रैप्स रेडी होकर आ चुके हैं, और मगरब की अजान में भी जो है वो बस 1-2 मिनट का ही वेट है। तो ये था जी व्लॉग आज का, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।